Hello friends, welcome you all at my YouTube channel English World. Today in this video we are going to read some important questions of English literature that will be beneficial for our exam UP Tgt Pgt English, KVS, NVS, Tgt Pgt English. So friends, now without any delay, let us start. Question number 1. Who is the author of essay The Indian Juggler? The Indian Juggler is an essay, and here is the question. Who is the author of the essay The Indian Juggler? So answer is William Hazlitt. William Hazlitt is the author of essay The Indian Juggler. And William Hazlitt is best known for his humanistic essays. Indian Juggler भी जो है वो एक humanistic approach का essay है. और William Hazlitt English literature में famous हैं अपने humanistic essays के लिए. Question number 2. The pseudonym Ilya has been borrowed from someone by Charles Lamb. Who was he? इलिया जो सुजोनियम है ये चार्ल्स लैम ने बोरो किया था किसी से, तो ये किससे उन्होंने बोरो किया था, किसके नाम से उन्होंने इलिया रखा था? आंसर इज अ फेलो क्लर्क, एन ओल्ड क्लर्क, एन इटालियन एट द साउथ सी हाउस इन लैम्स टाइम इन 1791 टू 1792. 1791 और 92 के दौरान चार्ल्स लैम के साथ में साउथ सी हाउस में एक इटालियन ओल्ड क्लर्क था, फेलो क्लर्क था चार्ल्स लैम का, उसी से उन्होंने इस नेम को इलिया को बोरो किया था, ई एल आई ए इलिया. एंड एज वेल एज चार्ल्स लैम से आर एसेज आर फेमस, एसेज ऑफ इलिया करके फेमस हैं. नेक्स्ट, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर. विच पोइट सेड इट, ये किस पोइट की लाइन है? आंसर इज जॉन कीट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 4. हु इज़ कॉल्ड द परफेक्ट सिंगिंग गॉड इन इंग्लिश पोइट्री. परफेक्ट सिंगिंग गॉड इंग्लिश पोइट्री में किसको माना गया है? आंसर इज पी वी शैली को. फ्रेंड्स, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक. एज वेल एज इफ समवन इज़ विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर ऑन सोशल साइट्स. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट पब्लिश्ड. लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुए थे? तो हम मैनी टाइम्स वी रीड इट, एंड आंसर इज 1798 में लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट सबसे पहले पब्लिश हुए थे. लेकिन ये कहाँ पब्लिश हुए थे? वेयर वॉज लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट पब्लिश? आंसर इज ब्रिस्टल. ब्रिस्टल में पब्लिश हुए थे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओसोरियो इज़ एन अनपरफॉर्म ट्रेजडी इन ब्लैंक वर्स ड्यू टू इट्स रिजेक्शन बाय ड्रूरी लेन थिएटर. हु रोट इट? ओसोरियो जो है एक ऐसी ट्रेजडी है, एक ट्रेजडी है जो कि परफॉर्म नहीं की गई थी और ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, और इसको ड्यूरी लेन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, ड्यूरी लेन थिएटर के द्वारा. तो इसके राइटर कौन हैं? इसके राइटर एस टी कॉलरिज हैं. एस टी कॉलरिज के द्वारा ये लिखी गई ट्रेजडी है. ऐसे ही फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का भी एक लिखा हुआ प्ले है बॉर्डरर. तो ये दोनों लोग कॉन्टेम्पोरेरी थे, और उसी समय बॉर्डरर भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया प्ले था, और स्टी कॉलरिज ने भी स्टार्टिंग में ये ओसोरियो एक अनपरफॉर्म ट्रेजडी लिखी थी. और इसका टाइमिंग है लगभग, इट वाज रिटन इन 1797 में कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी. पीजीटी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रीलूड कंप्लीटेड बाय वर्ड्सवर्थ? द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ के द्वारा कब कंप्लीट की गई थी ये बुक? आंसर इज 1805 में कंप्लीट तो हो गई थी, बट इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850. पोइट की डेथ के बाद 1850 में ये पब्लिश हो पाती है द प्रीलूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ एक यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रीलूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम. इन हाउ मेनी सेक्शंस आर दिस बुक ऑर्गेनाइज? ये जो प्रीलूड एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, एक एपिक पोएम है, इसके कितने सेक्शंस हैं, या हम कह सकते हैं ये कितने बुक्स हैं इसमें? ये अब यूपी टीजीटी 2016 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. आंसर इज 14 बुक्स आर 14 सेक्शंस वी कैन से इन दिस वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी नॉवेल्स डिड जेन ऑस्टन राइट? जेन ऑस्टन ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? आंसर इज 6. जेन ऑस्टन रोड 6 नॉवेल्स. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द नेम ऑफ
सर वॉल्टर स्कॉट्स फर्स्ट नॉवल. सर वॉल्टर स्कॉट्स का जो फर्स्ट नॉवल है उसका नाम क्या है? आंसर इज वेवरली. वेवरली इज सर वॉल्टर स्कॉट्स फर्स्ट नॉवल. एंड वी नो वेरी वेल दैट सर वॉल्टर स्कॉट इज फेमस फॉर हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने के लिए फेमस हैं. और वेवरली भी उनका हिस्टोरिकल नॉवल है. और इट वॉज पब्लिश्ड इन 7 जुलाई 1814. तो वॉटर स्कॉट का फर्स्ट नॉवल वेवरली है और ये पब्लिश हुआ था 17 जुलाई 1814 को. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे दीज आर टूडेज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड कीप वॉचिंग वीडियोज़. थैंक यू फ्रेंड्स.